हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली घई और इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्रैश कोर्स इन केमिस्ट्री में नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें मैं कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट वीडियो में, डी एंड एफ ब्लॉक की फर्स्ट वीडियो में, मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई थी जिसपे एक क्वेश्चन बनता है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है आपके इन कंपाउंड्स के बारे में। तो आज हम इन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कंपाउंड है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। बच्चों, इस पे किस तरह के क्वेश्चन आता है? एक क्वेश्चन आता है इसकी प्रिपरेशन पे, क्वेश्चन आ सकता है राइट द प्रिपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड फ्रॉम इट्स ओर। सो आपको इस कंपाउंड की प्रिपरेशन लिखनी होगी। सो ओर जो हम यूज करते हैं वो है क्रोमाइट ओर। बच्चों, जो ओर हम यूज करते हैं वो है क्रोमाइट ओर, जिसका फॉर्मूला होता है FeOCr2O3। दिस इज क्रोमाइट ओर। ओके, तो ये क्रोमाइट ओर हमारे पास बनता है, सबसे पहले हम इसमें सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे हम इसे सोडियम क्रोमेट बना लेते हैं, Na2CrO4। साइड प्रोडक्ट हमारे होते हैं Fe2O3 प्लस CO2। उसके बाद हम इस सोडियम क्रोमेट को लेते हैं, यानी फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, हमने क्रोमाइट ओर ली और उससे सोडियम क्रोमेट बनाया। सेकेंड स्टेप में हमने सोडियम क्रोमेट को लिया Na2CrO4 और हमने इसे कन्वर्ट किया H2SO4 डाल के Na2Cr2O7 में। ठीक है, देन साथ में हमारे पास बनेगा Na2SO4 प्लस H2O, क्योंकि सल्फेट लिया है हमने तो सोडियम सल्फेट अलग हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है, दैट इज Na2Cr2O7, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से K2Cr2O7 बन जाएगा, तो हम इसमें सिंपल KCl डालेंगे एंड विल बी हैविंग K2Cr2O7 अलोंग विद NaCl। सो बच्चों, ये तीन स्टेप्स की प्रिपरेशन है जो कि डायरेक्टली पूछी जाती है, तीन नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, पूछा जाता है राइट द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम इट्स ओर। सो आपको ये रिएक्शन लिखनी होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टीज पे। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट वैसे ऑरेंज कलर का सब्सटेंस होता है, इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, इट एक्ट्स एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे बिहेव करता है, या सपोज ये आयरन के साथ रिएक्ट करे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। सो फेरस से बन जाता है हमारे पास फेरिक, ठीक है, और ये खुद हो जाता है रिड्यूस। अब ये रिडक्शन कैसे होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट खुद रिड्यूस होता है, मैं आपको एक कॉमन रिएक्शन लिख के दे देती हूं, ये रिड्यूस होता है Cr2SO4 होल थ्राइस में। साथ में हमारे पास मिलती है नेसेंट ऑक्सीजन, 3 नेसेंट ऑक्सीजन यहां मिलती है इस रिएक्शन में, और Fe यानी फेरस चेंज होता है फेरिक में। अगर आपके पास सल्फाइड है S-2, वो चेंज होता है सल्फर में। अगर आपके पास SO3-2 है वो चेंज होगा SO4-2 में। सो जिस भी तरह की रिएक्शन लिखी है बच्चों, आपको इसको कंप्लीट करना है राइटिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। सपोज मेरे को आयरन की रिएक्शन दी हुई है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और आयरन का सॉल्ट लिखेंगे। हमें मालूम पोटेशियम डाइक्रोमेट खुद रिड्यूस हो जाता है क्रोमियम सल्फेट में, और आयरन जो फेरस था वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये बेसिकली रिएक्शन होगी इस तरह से। सपोज आपसे आयोडाइड पूछा, आयोडाइड किस में चेंज होगा, सो इट चेंजेस इनटू आयोडीन। All these reactions takes place in acidic medium in presence of H2SO4 and it shows oxidizing behavior. ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, दिस टेस्ट इज यूज फॉर क्लोराइड आयन्स, फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयन। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में जब आप किसी भी क्लोराइड आयन को डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और एसिडिक मीडियम, वी आर हैविंग अ कंपाउंड नोन एज क्रोमाइल क्लोराइड, जो कि रेडिश ब्राउन वेपर्स इसकी निकलती हैं, दैट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड इन द सॉल्ट। सो ये
एनालिसिस में काम आता है, जब सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो क्लोराइड का टेस्ट इस मेथड से, इस टेस्ट से किया जा सकता है, एंड दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इस कंपाउंड का नाम होता है क्रोमाइल क्लोराइड, विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर। एक और क्वेश्चन आ सकता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, आई एम टेकिंग द सॉल्ट ऑफ डाइक्रोमेट, एच आयन यानी एसिड के साथ रिएक्ट किया, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 इट फॉर्म्स CrO5 which is deep blue in color, which has butterfly-like structure along with water. So, ये question H2O2 के साथ पूछा जा सकता है कि H2O2 के साथ क्या reaction होगी, ठीक है? Next, second compound we have is potassium permanganate, KMnO4. ठीक है, यहाँ पे भी पहली equation, पहला question यही बनता है, write its preparation from its ore. तो यहां जो हमारे पास ओर है उसका नाम होता है पायरोल्यूसाइट ओर, एंड फॉर्मूला है ओर का MnO2। अब यहां जो रिएक्शन होती है वो दो स्टेप्स में होती है, आपने सबसे पहले MnO2 लिया क्रोमाइल क्लोराइड और उसको आपने KOH के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट कंपाउंड जो बनेगा वो होगा पोटेशियम मैग्नेट अलॉन्ग विथ वाटर मॉलिक्यूल। इस पोटेशियम मैग्नेट को आपने लिया K2MnO4 और हमारा पर्पस है इसे KMnO4 में कन्वर्ट करना, सो हम इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं या तो आप इसमें CO2 ऐड कर दीजिए तो आपके पास KMnO4 बन जाएगा। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को इजीली लिख सकते हैं, दो स्टेप्स की रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में आपने ओर लिया और उसको पोटेशियम मैग्नेट बनाया और फिर पोटेशियम मैग्नेट से आपने इसे पोटेशियम परमैंगनेट बनाया। इसका जो कलर होता है वो डीप वॉयलेट कलर का होता है ये कंपाउंड। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो यही होता है कि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये खुद हो जाता है रिड्यूस। लेकिन यहां पे एक बात आती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये न्यूट्रल मीडियम में भी होता है, एल्केलाइन मीडियम में भी होता है और एसिडिक मीडियम में भी होता है। अगर हम एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन लिखें तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में खुद चेंज हो जाता है MnSO4 या Mn+2 में, और इस समय इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो, या एन फैक्टर अगर हम देखें तो वो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5 आ जाता है, क्योंकि ये चेंज हो जाता है +7 से +2। सो एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर होता है 5। ओके, अब हम बात करेंगे KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम। सो न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 किस तरह से रिएक्ट करेगा। KMnO4 आपने लिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि हम न्यूट्रल मीडियम की बात कर रहे हैं, इट चेंजेस इनटू KOH अलॉन्ग विद MnO2, ओके, विथ 3 निसेंट ऑक्सीजन। Then what will be the change in alkaline medium? So, अगर alkaline या basic medium आपके पास है तो KMnO4 change हो जाता है K2MnO4 में। That means potassium permanganate change हो जाता है potassium magnate में along with the liberation of water and one nascent oxygen. So, हम देखते हैं कि acidic medium में हमारे पास 5 nascent oxygen आए, alkaline में 1 और न्यूट्रल में 3 आए। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि एसिडिक मीडियम में इट एक्ट्स एज अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सल्फाइड में क्या चेंज होगा, सो सल्फाइड ऑक्सीडाइजेस टू सल्फर, SO2 ऑक्सीडाइजेस टू H2SO4, ऑक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ferrous salt get oxidized to ferric and so on. So, इस तरह से हम reactions लिख सकते हैं। KMnO4 की titrations पे एक question आ जाता है, जब भी हम KMnO4 की titration करते हैं तो उसमें हम H2SO4 डालते हैं, question आता है HCl या HNO3 क्यों नहीं use करते। सो आंसर इज, अगर हम HCl यूज कर रहे हैं तो जो HCl यूज किया जा रहा है उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, उस समय वो HCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगी, तो हमारे पास एक साइड प्रोडक्ट Cl2 भी बन जाता है। और दूसरा HNO3 हम यूज करते हैं तो HNO3 अपने आप में एक सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो रिएक्शन में इंटरप्ट करती है, और इसलिए हम KMnO4 की टाइट्रेशन H2SO4 के साथ ही करते हैं।
सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन कंपाउंड्स पे पूछे जाते हैं. उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है कंपैरिजन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. यहां पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको अब हम डिस्कस करेंगे. सो अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. सो शॉर्ट में मैं आपको बताऊं बच्चों लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं. जिनमें इलेक्ट्रॉन्स 4f में जाते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाता है उसे हम लेंथेनॉइड कहते हैं. एंड जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f सबशेल में जाता है उसे हम एक्टिनॉइड कहते हैं. अगर हम इनका f ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फिग्रेशन देखें तो हमारे पास होता है n माइनस 2 f 1 टू 14 n माइनस 1 डी 0 टू 1 एन एस 2. ये हमारा f ब्लॉक का जनरल कॉन्फिग्रेशन होता है. ठीक है, तो अगर हमारे पास लेंथेनॉइड्स हैं तो ये n माइनस 2 हमारा 4 हो जाएगा, मींस n हमारा 6 हो जाएगा. और अगर एक्टिनॉइड्स हैं तो n हमारा 7 हो जाएगा, n माइनस 1 d 6 हो जाएगा और n माइनस 2 f 5 हो जाएगा. सो दिस इज द जनरल कॉन्फिग्रेशन फॉर लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. ओके, लेंथेनॉइड्स हमारे स्टार्ट होते हैं एटॉमिक नंबर 58, दैट मींस लेंथेनम से लेके 71 ल्यूटीशियम तक, और इनको हम इन कॉमन लेंथेनम कहते हैं. सो 58 से 71 जो भी एलिमेंट्स हैं लेंथेनम से ल्यूटीशियम वो हमारे लेंथेनॉइड्स कहलाते हैं. लेंथेनॉइड्स के बारे में हम बात करते हैं, इसे कॉमनली हम एनएन लिखते हैं और इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 होता है, बट उसके अलावा प्लस 2 और प्लस 4 भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 है इसलिए दे ट्राई टू चेंज इनटू प्लस 3 स्टेट. जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है SM प्लस 2 या EU प्लस 2 जो है प्लस 2 में शो करते हैं, बट दे एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट. वाई? सो आंसर इज दे रेडिली वांट्स टू चेंज इनटू प्लस 3 स्टेट. सिमिलरली जो प्लस 4 शो कर रहे हैं वो है सीरियम और टर्बियम. जो प्लस 4 शो कर रहे हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं और उसका रीजन क्या है कि वो प्लस 3 में आने की कोशिश करते हैं. सो दे एग्जिबिट वेरी लेस वेरिएबिलिटी इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं. बच्चों ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से आएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा. व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? सो जब हम बात करते हैं लेंथेनॉइड्स की तो हम जब लेंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं देर इज अ स्मॉल रेगुलर डिक्रीज इन एटोमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई में लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है, उस डिक्रीज को हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. और ये डिक्रीज किस कारण से हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, बट क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन्स की वेरी इम्परफेक्ट शील्डिंग होती है, पुअर शील्डिंग होती है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम होता है. बट इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण हमारे पास कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं और वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि हाफनियम जो है हमारा डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन सीरीज में उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है. सो जो पहला कॉन्सिक्वेंस है हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का वो है सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स इज डिफिकल्ट. डिफिकल्ट क्यों है लेंथेनॉइड्स को सेपरेट करना? क्योंकि उनके जो एटॉमिक साइज या आयनिक साइज है उनमें डिफरेंस बहुत कम है और डिफरेंस कम होने के कारण उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज नियरली सेम है, इसलिए उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है. तो इनका सेपरेशन सिर्फ आयन एक्सचेंज मेथड से ही हो पाता है. सेकेंड हमारा है सिमिलैरिटी इन द साइज ऑफ एलिमेंट्स. सिमिलैरिटी in the size of elements that belongs to second and third transition series. Second or third transition series में हमारे पास जैसे zirconium और hafnium है, zirconium and hafnium इन दोनों का atomic size nearly same होता है, 160 and 159 picometers. Similarly अगर हम बात करें fifth series में niobium and टेंटेलम एटॉमिक साइज 146 पिकोमीटर होता है. सो दे हैव नियरली सेम और एग्जैक्टली सेम इन सम केसेस एटॉमिक रेडियाई. दिस इज बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. एंड थर्ड इफेक्ट एंड थर्ड कॉन्सिक्वेंस इज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड.
सो जैसे जैसे साइज ऑफ लेंथेनाइट डिक्रीज होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटीशियम, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट, उनका कोवलेंट करेक्टर उनके हाइड्रोक्साइड का इंक्रीज हो जाता है. सो थर्ड कॉन्सिक्वेंस है हमारा कि बेसिक नेचर जो है इन हाइड्रोक्साइड्स का वो डिक्रीज होता है. सो डिक्रीज क्यों हुआ, मैंने आपको बताया जैसे जैसे लेंथेनाइट्स का साइज डिक्रीज होगा कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज होगा और इसलिए बेसिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा. सो अगर आपसे पूछा जाए, जो कि पूछा जाता है जनरली, क्वेश्चन है लेंथेनम हाइड्रोक्साइड एंड ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड में से ज्यादा बेसिक कौन सा है, सो दिस इज मोस्ट बेसिक एंड दिस इज लीस्ट बेसिक. सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. अब हम बात करेंगे एक्टिनॉइड्स की. एक्टिनॉइड्स क्या है, एक्टिनॉइड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स 5f में फिल किए जाते हैं. इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, लेकिन ये +4, +5, +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं. दैट मीन्स लेंथेनॉइड के कंपेरिजन में इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है. उसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है, देर इज अ अलॉय ऑफ लेंथेनॉइड, वी कॉल इट एज मिश मेटल. ये मिश मेटल क्या होता है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड दिस मिश मेटल इज मेड अप ऑफ लेंथेनम अराउंड लेंथेनॉइड्स अराउंड 95% एंड अदर एलिमेंट्स लाइक आयरन, कार्बन, एल्यूमिनियम, दे आर प्रेजेंट इन ट्रेसेस. सो ये मिश मेटल जो है ये बेसिकली बुलेट्स, शेल्स और लाइटर फ्लिंट्स बनाने के काम आता है. एंड दैट्स व्हाई इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये पायरोफोरिक अलॉय हो जाता है. पायरोफोरिक मींस विच एमिट्स स्पार्क व्हेन स्ट्रक. लाइटर आपने देखा होगा, उसको जैसे स्ट्रक करते हैं उसमें से स्पार्क निकलता है. सो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं पायरोफोरिक. तो बच्चों ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा कंप्लीट हो गया है. इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको साथ साथ ही बता दिए हैं. उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी. सो प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा. अराउंड फाइव मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं. दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो रीजन बेस्ड या फिर प्रॉपर्टी बेस्ड, ठीक है, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज. सो आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.